हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले पुष्पा 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, पुष्पा 2 इस साल की बहुत ही बड़ी मूवियों में से एक है। ये मूवी साल 2021 में आई पुष्पा द राइज का दूसरा सिक्वल है। इस मूवी में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी। पुष्पा 1 में समंथन और रुथ प्रभु का बेहद ही शानदार और सिजलिंग आइटम सॉन्ग ओ अंटावा देखने को मिला था, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। लेकिन आपको पता है कि पुष्पा 2 द रोल में कौन सी एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन के साथ जबरदस्त ठुमके लगाती हुई नजर आएगी? और इसमें भी एक बहुत ही अच्छा आइटम सॉन्ग रहने वाला है। जैसे कि ऊ अंटावा रहा था, वैसा ही अब पुष्पा 2 में भी एक बहुत ही अच्छा आइटम सॉन्ग रहने वाला है। 17 दिसंबर 2021 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा द राइज का दूसरा सिक्वल पुष्पा 2 द रोल की रिलीज का हर एक अल्लू अर्जुन दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा 2 द रोल इस साल के सबसे प्रतिष्ठित में से एक मानी जा रही है। अल्लू अर्जुन एक्ट्रेस इस मूवी के बारे में कई जानकारियां सामने आती रहती है। अब सोशल मीडिया पर यह जानकारी सामने आई कि मूवी मेकर्स और अल्लू अर्जुन के साथ एक खास गाने में धमाल मचाने के लिए किसको हायर किया है, तो अब श्रद्धा कपूर को फाइनल कर लिया है। श्रद्धा पहले से ही कई एक्ट्रेसों के नामों पर विचार किया जा चुका है, लेकिन आखिर में मुहर स्त्री टू फेम अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के नाम पर लगी है। इनको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। साल 2021 में ही अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मूवी पुष्पा द राइज में समंथना रुथ प्रभु के साथ अल्लू अर्जुन के डांस मूव ने सभी का दिल खुश कर दिया था। अब देखना होगा कि श्रद्धा कपूर कैसे खरी उतर पाती है। पुष्पा 2 मूवी 6 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस मूवी को मैत्री मूवी वेकर्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और इस मूवी में म्यूजिक देवीश्री प्रसाद द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ इस मूवी में फहद फासिल विलन की भूमिका करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वी आर गुज्जू चैनल को सब्सक्राइब जरूर।